परम पूज्य दादा जेपी वासवानी का जन्म शताब्दी समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्वामी प्रीतमदास सभागृह में सत्संग का आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साधु वासवानी नगर स्थित प्रीतमदास सभागृह में परम पूज्य दादा जेपी वासवानी का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभी करतल ध्वनि से ताली बजा करें, बधाई विधा से बधाई बधाई बधाई। महंत राजा कमल उदासी जी, साई शंकर दारवानी जी, महंत संत भक्ति प्रिया जी, नगर शिखर दादा मोहनदास जी। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रम में परम पूज्य दादा जेपी वासवानी का सिंधी में उपदेश भी हुआ। इसके साथ ही गायक नील तलरेजा ने मधुर आवाज में भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रद्धालु जमकर थिरके। समारोह में महापौर मालिनी गौड़ भी पहुंची। उन्होंने भजनों का आनंद लेने के साथ ही केक भी काटा। आईडी अध्यक्ष शंकर लालवाली ने बताया कि दादा जेपी वासवानी के जन्म शताब्दी समारोह पर 100 स्थानों पर कार्यक्रम हुए। इस मौके पर गरीब बच्चों को शिक्षण सामग्री व पौधारोपण सहित अन्य कार्य किए गए। सिंधी समाज के ही नहीं, पूरे देश पूरे विश्व में जो सेवा समर्पण और प्यार का संदेश देते हैं, ऐसे हमारे दादा जेपी वासवानी जिनका कि मुख्य केंद्र पूना में, उनका सौवां जन्मदिन 100 शहरों में मनाया जा रहा है और ये देश के 100 शहर के अलावा विश्व में भी उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उनका जन्म उत्सव का कार्यक्रम यहाँ रखा है और जिसमें कि बड़ी धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है और इसके अलावा बच्चों को शिक्षा की सामग्री बांटी जा रही है और कुछ दिन पूर्व 100 पौधे साधु वासवानी बगीचा जो है उसमें लगाए गए। वैसे 2 अगस्त को उनका जन्मदिन है पर उसके पहले कई सारे शहरों में, देश विदेश में, सभी जगह उनका जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उसी श्रेणी में आज इंदौर में भी ये बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया है जिसमें भजन संध्या रखी गई है, संत समाज को आमंत्रित किया गया है और जरूरतमंद बच्चों को कॉपी किताब और स्कूल की सामग्री का वितरण भी किया गया है। जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में लंगर का भी आयोजन किया गया जहां बड़ी संख्या में समाजजनों ने महाप्रसादी ग्रहण की।